फिर से लेकिन एक अपडेट प्रदीप ले रहे हैं डीलर्स के बीच इस समय मूड माहौल क्या है प्री बजट प्रदीप। जी हर्षिता देखिए शॉर्ट की कॉल पे तुरंत एक्शन होता है, लॉन्ग की कॉल पे बहुत मुश्किल से ही आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं इन दिनों जिस तरह का मूड है बाजार का। हमारे साथ देवांग शाह मौजूद है जो एंजल ब्रोकिंग के तमाम क्लाइंट्स के साथ संपर्क में रहते हैं। ये आप भी देख रहे हैं कि शॉर्ट के कॉल देने से ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा मुनाफा हो रहा है लॉन्ग के मुकाबले? यस, ये मार्केट में शॉर्ट में ज्यादा काम हो रहा है कम्पेयर टू लॉन्ग। थोड़ा जोर से बोलिए। ये मार्केट में शॉर्ट में ज्यादा काम हो रहा है कम्पेयर टू लॉन्ग। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको शायद। ये मार्केट में शॉर्ट के कॉल में ज्यादा काम हो रहा है कम्पेयर टू लॉन्ग। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो क्या इस समय शॉर्ट करके चल रहे हैं? यस, हमारे क्लाइंट्स अभी भी शॉर्ट करके चल रहे हैं बट एक सपोर्ट जोन पे तो थोड़ा सा कॉशियसनेस है मार्केट में भी। अच्छा ये बताइए इस समय बजट को लेकर के जिस तरह से हम इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, आप जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं क्या उनको क्या डर है, उत्साह है कि बजट के बाद बाजार चलेगा, लोग क्या सोच क्या रहे हैं? सर बजट के पहले एक डर कॉशियसनेस तो है मार्केट के अंदर बट आफ्टर बजट जैसे बजट के बाद लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं मार्केट, ऐसा लोग सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। मतलब क्या बाजार गिरेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी? बाजार एक बार गिरेगा तब वो वहां सपोर्ट लेवल पे अगर होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, तो राइट नाउ तो कॉशियस से ही क्लाइंट ट्रेड कर रहे हैं। क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं आपको लोग पूछते हैं कि बजट में क्या आएगा, क्या सोच रहे हैं, क्या किस तरह का सवाल? स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं कि कैसे कौन से सेक्टर्स ज्यादा चलेंगे या क्या मार्केट में क्या चलेगा, तो उस हिसाब से बजट में वो क्वेश्चन आते हैं क्लाइंट से। तो आप रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक्स को कि क्या खरीदना चाहिए? राइट नाउ यस लिटिल कोई कोई स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा अभी बजट की बात आप कर रहे हैं, इसके पहले राज्यों के इलेक्शन थे तो उस समय लोग कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए ये बड़ा इवेंट है उसके बाद लेंगे, लेकिन इलेक्शन हो गए तो लोग बजट के बाद लेंगे ये कहने लगे हैं। बजट के बाद क्या कहेंगे कि सेंट्रल के इलेक्शन हो जाए फिर लेंगे? बजट के बाद भी एक है जो इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल के, हाँ। तो यस थोड़ा बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर बजट दिख सकता है बट मेजर बाइंग जो दिख सकती है आफ्टर इलेक्शन दिख सकता है। तो लोग आपसे आपके क्लाइंट्स जो है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन से हो जाए तब तक आप थोड़ा बहुत बाई करो बट इलेक्शन के बाद आपको मार्केट में वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो अभी जैसे कुछ देर पहले मयूरेश से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो दौर होता है ना गिरावट वाला ये बड़ा अच्छा है, जब अनिश्चितता बहुत है स्टॉक सस्ता मिलता है तो लेना चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट्स को कहते हैं, अगर आपने 10 क्लाइंट्स को कहा कि भाई ये स्टॉक हमको अच्छा लगता है लीजिए, उनमें से कितने लेते हैं दरअसल? राइट नाउ ऐसे मार्केट को देख के तो आई थिंक 10 में से 3 या 4 क्लाइंट ही लेंगे ये मार्केट को देखकर, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन राइट नाउ ज्यादा बिल्डअप है मार्केट के अंदर। सो अभी तो फिलहाल 4 से 5 क्लाइंट ही मैक्स टू मैक्स लेंगे अगर बाय के लिए बोलेंगे तो। बिल्कुल, यानी आपके आइडियाज भले ही हो, रिसर्च आपकी भले ही कहती हो कि मौका है, लेकिन लोगों में हिम्मत कम दिख रही है।